खबर असरदार का हो गया है। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, मैं हूं अपर्णा मौजम। CAA से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मार्च के पहले हफ्ते में CAA को लेकर नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी की जा सकती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये अधिसूचना जारी हो सकती है। मार्च के पहले हफ्ते में CAA पर अधिसूचना जारी की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मार्च के पहले हफ्ते में CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जारी हो सकता है मार्च के पहले हफ्ते में, क्योंकि उसके बाद कभी भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है, आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में आचार संहिता के लगने से पहले ही यहां नोटिफिकेशन जारी हो सकता है मार्च के पहले हफ्ते में, ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने के लिए है जो इन देशों में, जो इस्लामिक देश हैं और यहां पर वो अल्पसंख्यक हैं। तो इसमें हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, और इन्हें यहां इस देश में नागरिकता दी जा सके ताकि कानून का और तमाम योजनाओं का फायदा उन्हें मिल सके, इसके लिए ये कानून लाया जा रहा है। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। बीजेपी के हर्ष महाजन ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी हार स्वीकार की। दोनों ही प्रत्याशियों को 34 वोट मिले थे। पर्ची के जरिए जीत का फैसला हुआ। 40 विधायक आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के हैं, बीजेपी के 25 विधायक हैं। ऐसे में यहां क्रॉस वोटिंग की है कांग्रेस के 6 विधायकों ने, और अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी हार स्वीकार करी। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, सीएम सुक्खू का इससे पहले बयान ये आया था कि व्हिप जारी कर दिया गया है, लेकिन उनके बयान से यह साफ था कि उन्हें अपने पार्टी के विधायकों पर विश्वास नहीं है। 40 विधायक, 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, 34 वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़े। तो बीजेपी के हर्ष महाजन को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, गदगद दिखाई दिए वो, उन्होंने जीत हासिल की। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को यह झटका लगा जहां पर्ची के जरिए जीत का फैसला हुआ। दिल्ली में कल बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है, 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन होगा। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन कर रही है। केंद्र चुनाव समिति की बैठक से पहले ये मंथन बीजेपी कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल राजधानी दिल्ली में बीजेपी ये बड़ी बैठक करने जा रही है। 8 राज्यों की कोर कमेटी इस बैठक में शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव के लिए किसके नाम पर मोहर लगेगी उस पर मंथन होगा। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। जो प्रत्याशियों के पैनल बनाए गए हैं उन पर फिलहाल बीजेपी के अंदर मंथन जारी है। पैनल में से एक नाम फाइनल करना है। केंद्र चुनाव समिति की बैठक से पहले यह मंथन हो रहा है। और कल और कसरत करने के लिए नामों पर यह बैठक महत्वपूर्ण रहने जा रही है। तो कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, मध्य प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर मंथन होगा। जेपी नड्डा की अगुवाई में बैठक होगी। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी बैठक में शामिल होंगे।
भोपाल में आज दिनभर बीजेपी की बैठक चली। कोर कमेटी की बैठक के अलावा चुनाव समिति की बैठक हुई। इससे पहले प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी भी की गई। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा की सीटों पर बीजेपी ने पदाधिकारियों से 3 नाम लिए हैं और इन नामों का एक पैनल तैयार किया गया है। वहीं भोपाल की बात करें तो यहाँ सबसे ऊपर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम है, यानी बीजेपी के अधिकतर पदाधिकारी भोपाल से वीडी शर्मा को उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं। तो भोपाल से वीडी शर्मा का नाम सबसे आगे है और पैनल तैयार किए गए हैं। पैनल में 2 से 3, 3 से 4 इस तरह के नाम हैं, अलग अलग उम्मीदवारी के दावेदारों को लेकर। भोपाल की बात करते हैं तो 5 से 6 नाम का पैनल तैयार किया गया है। सबसे ऊपर इन नामों में जो नाम है वो है वीडी शर्मा का, जो प्रदेश बीजेपी का मान जिनके कंधों पर है। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी दूसरे नंबर पर आते हैं। कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा का नाम भी इसमें शामिल है। जो पूर्व महापौर हैं आलोक शर्मा भी दावेदार हैं इस उम्मीदवारी के, और साथ ही पूर्व सांसद आलोक संजर भी, उनका नाम भी इस पैनल में शामिल है। तो ये तमाम नाम हैं जो भोपाल सीट के लिए दावेदारों में हैं। तो एमपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी टिकट बंटवारे में चौंका सकती है। कहा यह जा रहा है कि कई सिटिंग एमपी की टिकट कट सकते हैं। तो वही ये भी खबर है कि नए चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारकर सियासत के पंडितों को चौंकाया था। बीजेपी की रणनीति काम भी कर गई और पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। अब बारी लोकसभा चुनाव की है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी प्रत्याशियों के चयन में एक बार फिर चौंका सकती है। 5 सांसदों के विधायक बनने के बाद सीटें खाली हैं। माना यह जा रहा है कि यहां से नए चेहरों को मौका मिल सकता है। यही नहीं, कई सांसदों के टिकट पर संकट है। उधर भोपाल में प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी में दिल्ली से उम्मीदवार तय होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी का स्वांग रच रही है। मेरा तो सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है ही कहां। यहां तो राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 2 लोगों की चलती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनसे पूछ ले कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ही रायशुमारी के लिए विधानसभा के संपन्न चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चयन को लेकर भी बैठक हुई थी। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। साथ ही कहा कि बीजेपी में पारदर्शिता और प्रक्रिया के तहत ही टिकट तय होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता से काम करती है। हम सदा संवाद करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी राय लेते हैं, जनता से भी राय लेते हैं। हम हमारा घोषणा पत्र संकल्प पत्र बनाते हैं तो उसको लेकर भी सुझाव लेते हैं। प्रत्याशी चयन में भी हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं, उनसे सबसे सलाह मशवरा करते हैं। और ये हमारी एक प्रक्रिया है, संवाद करके हम जो भी योग्य उम्मीदवार हो, जो लोकप्रिय उम्मीदवार हो, जो सबकी पसंद का ऐसा उम्मीदवार देने का प्रयास करते हैं। और इसको लेकर सतत प्रक्रिया चल रही है। जो भी नाम सामने आएंगे उस पर केंद्रीय चुनाव समिति मोहर लगाई। ऐसा नहीं है कि टिकट की टेंशन केवल बीजेपी में है। कांग्रेस में कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने प्रत्याशियों के चयन में कई चुनाव में चौंकाया है और उसकी रणनीति कामयाबी के झंडे भी गाड़ती रही है। ऐसे में एमपी में बीजेपी के प्रत्याशियों के ऐलान का इंतजार राजनीति के जानकार भी कर रहे हैं। शैलेंद्र चौहान, News 18, भोपाल। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन के लिए रायशुमारी शुरू कर दी है। पार्टी इस बार ऐसे चेहरों को मौका देना चाहती है जो कि युवा हो और संसद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व कर सके। तो पार्टी की रायशुमारी के बाद अब यह देखना होगा कि आखिर किन चेहरों को मौका मिलता है और कैसे युवाओं को पार्टी संसद तक भेजती है। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, News 18, भोपाल। तो टिकट की टेंशन है। जी हां, सांसद गणेश सिंह का टिकट कट सकता है। ये बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में गणेश सिंह को उतारा गया था, हार मिली थी। वीरेंद्र खटिक 6 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार टीकमगढ़ में नए चेहरे को मौका मिल सकता है। राजगढ़ से रोडमल नागर की दावेदारी पर विचार चल रहा है और रोडमल नागर का क्षेत्र में विरोध हो रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कर लेते हैं, जहां जल्द ही बड़े बदलाव होंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नए लोगों को जिम्मेदारी देने की बात कही है।
कहा यह जा रहा है कि 12 से अधिक जिला अध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन के स्तर पर बदलाव के कयास लगाए जा रहे थे। अब जबकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, माना ये जा रहा है कि जल्द संगठन में बड़े बदलाव होंगे। कहा यह जा रहा है कि रायपुर समेत 12 जिला अध्यक्षों की छुट्टी कर दी जाएगी। संगठन का फोकस उन जिलों पर है जहां विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, मसलन रायपुर शहर और ग्रामीण, दुर्ग, कवर्धा, बलौदाबाजार, महासमुंद, बलरामपुर, कोरिया, सरगुजा, रामानुजगंज, बैकुंठपुर, कोरबा, शक्ति, राजनांदगांव ग्रामीण, बिलासपुर जैसे जिलों में नए कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। बहुत ही जल्द संगठन में बदलाव होगा, कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, ताकि संगठन में और मजबूती के साथ कसावट आ सके। लोकसभा चुनाव में पार्टी नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरना चाहती है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी ने नाम तय कर लिए हैं, हाई कमान के हरी झंडी के बाद घोषणा कर दी जाएगी। यही नहीं, खाली पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी संगठन में बदलाव लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इन बदलावों में संगठन में कसावट आएगी? क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा? ये सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की तैयारी सुगबुगाहटे तेज है। विधानसभा चुनाव के 4 महीने पहले भी बदलाव हुआ था। दीपक बैज ने ली थी मोहन मरकाम की जगह। बैज के अध्यक्ष बनने पर कुछ बदलाव हुए थे, अधिकतर सजावट मरकाम की थी। अब संगठन में बैज बड़े बदलाव करेंगे। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उनकी नई नियुक्ति की जाएगी। नए सिरे से यहाँ पर नियुक्तियां होंगी, तो ये बड़े बदलाव अगले कुछ दिनों में हमें देखने को यहाँ मिल सकते हैं।